वन ऑफ द फेमस एंड लवेबल फिश ऑस्कर फिश। ये लगभग सब हॉबीज को पसंद है। क्यों? ये हार्डी फिश है। दूसरा है, इसका ग्रोथ भी फास्ट होता है, तगड़ा बड़ा हो जाता है, कलर भी बहुत सारा अवेलेबल होता है और बजट फ्रेंडली है। सो दोस्तों, आज ऑस्कर के ऊपर 7 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लेके बात करूंगा, जो शायद कुछ कुछ आपको पता है और कुछ कुछ पता नहीं है। उसके वजह से भी शायद आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फेस करने वाले या कर चुके होंगे। तो आज ये 7 इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा। तो इसको जानिए, सुनिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और अगर सही में अशोक अकुआ का सारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, मेरा मेहनत आप लोगों को अच्छा लगता है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक एक सब्सक्राइबर जो बढ़ता है ना, वो मुझको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कि और बेहतर वीडियो बनाए। दोस्तों, आज जो हम लोग ऑस्कर के बारे में 7 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, ये लेकिन नेक्स्ट लेवल वीडियो है। मतलब यहाँ पे हम लोग ये नहीं बताएंगे ऑस्कर को क्या खाना देना चाहिए, एक्वेरियम साइज क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, इसके ऊपर नहीं। तो चलिए वीडियो के मेन पार्ट से शुरू करते हैं। तो पहला है, जो ऑस्कर फिश है, दे डोंट लाइक चेंजेस एंड दे डोंट लाइक ओवर डेकोरेशन टू। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, जब वाटर साइफोनिंग करते हैं, टैंक को थोड़ा क्लियर करने का सोचते हैं, तो उस वक्त हम लोग ना पूरा डेकोरेशन को भी चेंज करते हैं। मतलब समझ लीजिए, रॉक बायां तरफ था तो उसको दायां तरफ दे देते हैं, कुछ कलर स्टोन ऐड कर देते हैं, फिल्टर का पोजीशन चेंज कर देते हैं, ये वो थोड़ा सा अलग करते हैं, क्योंकि हम लोगों को देखने में अच्छा लगेगा। एक ही टाइप का डेकोरेशन देख देख के कभी कभार बोर हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है, अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो ऑस्कर फिश को लगेगा ये कोई दूसरा जगह है, ये अलग जगह है। तो वहाँ पे वो थोड़ा एग्रेसिव भी हो सकता है और स्ट्रेस में भी आ सकता है। और उसी के साथ और एक बात बताएगा कि इनको ज़्यादा डेकोरेशन पसंद नहीं है। बहुत सारे मेरे दोस्त थे जो टैंक में प्लांट्स लगाना पसंद करते हैं। तो अगर आप प्लांट्स लगा के डेकोरेशन कर रहे हैं और करके ऑस्कर फिश को छोड़ के अगर आप कहीं जा रहे हैं, तो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटीज़ कि कुछ देर बाद आके देखिएगा कि वो प्लांट को, जो प्लांट लगाया ना आपने, वो प्लांट्स वगैरह को, पेड़ वगैरह को, वो शायद नोच चुका होगा या वो डेकोरेशन ख़राब कर चुका होगा, क्योंकि उनको ओवर डेकोरेशन पसंद नहीं है। आपको लग रहा है या आपका एक्वेरियम है, क्योंकि लेकिन ऑस्कर जब उसके अंदर जाएगा ना, तो वो उसका टेरिटोरी हो जाएगा, वो जो पसंद करता है वो वही करेगा। अब जाते हैं थोड़ा सा दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। हम लोग बहुत बार देखते हैं कि ऑस्कर, नया कोई ऑस्कर ऐड किया और वो लड़ाई करना अपने में चालू कर दिया। तो ऐसा क्यों होता है? ये जो ऑस्कर का जो बहुत सारा कलर वेरिएंट होता है ना, जैसा सुपर रेड, फायर रेड, ब्लैक टाइगर, एल्बिनो टाइगर, मोजाइक रेड, लेमन, तो इसके कलर के वेरिएशन से इनका एग्रेशन भी समझना पड़ेगा। ये जो ब्लैक टाइगर है, ये सबसे ज़्यादा एग्रेसिव होता है, फायर रेड ब्लैक। जो सुपर रेड होता है, जो लेमन होता है, जो एल्बिनो टाइगर होता है, वो कंपैरेटिवली कम होता है। ब्लैक रेड थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव होता है, और उससे थोड़ा कम पकड़े तो कॉपर, और उससे भी थोड़ा कम पकड़े तो जो मैं वैरायटी भी बताया, सुपर रेड, एल्बिनो, मोजाइक, ये सब वैरायटी। तो जब भी ऐड कीजिएगा ना, ये मेरे बात को ध्यान में रखिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत बार हम लोग घूमते जाते हैं तो सोचते हैं कि हमारे फिश को खाना कौन देगा, ये भूखा मर तो नहीं जाएगा। तो इसके ऊपर तो अलग अलग हम लोगों ने वीडियो बनाया है। ऑस्कर के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ऑस्कर 7 से 10 दिन, कभी कभार 10 से 12 दिन तक फास्टिंग कर सकता है। दे हैव दैट कैपेसिटी। और ऑस्कर कितना साल तक जिंदा रहता है, तो हम लोग अगर इसको ठीक से मेंटेन करें तो 5 से 7 साल तक, कभी कभार देखा गया 8 से 10 साल भी ये आराम से जी लेता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे दोस्तों, कि ऑस्कर क्या जंप करता है? एरवाना तो जंप करता है, उसको तो मंकी फिश कहते हैं, लेकिन ऑस्कर भी करता है क्या? तो यहाँ पे मैं बता दूँ, कुछ कुछ दोस्तों को शायद ये एक्सपीरियंस है कि ऑस्कर भी जंप करता है। क्यों? क्योंकि वो ना इंसेक्ट्स अगर देखता है ना ऊपर, तो वो जंप करके पकड़ता है। वाइल्ड में ऐसा होता है। तो इसके लिए ऑस्कर भी
जंप कर सकता है। तो जब भी आप ऑस्कर फिश रखने का प्लान कर रहे सोच रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात पे पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। कभी कभार हम लोग जब ऑस्कर फिश लाते हैं ना तो हम लोग देखते हैं कि वो एकदम टैंक के नीचे सो गया है, तो हम लोग सोचते हैं कि वो शायद एक्सपायर कर जाएगा। हम लोग ये वो दवाई दाना देना शुरू कर देते हैं, वाटर चेंज करते हैं, क्या करें समझ में नहीं आता है, हीटर लगा देते, ये वो बहुत कुछ करते हैं। लेकिन मैं बता देता हूँ, ऑस्कर का ये नेचुरल है। जब आप बाहर से ऑस्कर लाएंगे और वो जब स्ट्रेस में रहेगा ना, वो एकदम नीचे मतलब टैंक का जो बॉटम है वहाँ पे एकदम सो जाएगा, पूरा उलट जाएगा। आपको लगेगा कि शायद ख़त्म, लेकिन ख़त्म नहीं। वो जैसे स्ट्रेस से रिकवर करेगा वो धीरे धीरे फिर खड़ा हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक बता देता हूँ, आप क्लाउन लोच फिश को जानते हो शायद, वो क्लाउन लोच फिश है ना सेम, वो स्ट्रेस में नहीं लेकिन उसको भी स्लिपिंग फिश कहते हैं, वो सोया रहता है। अब दोस्तों और एक इम्पॉर्टेंट बात के ऊपर हम लोग अभी चर्चा करेंगे, वो है ऑस्कर को वाटर डॉग कहा जाता है। वाटर डॉग ऐसा क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि ऑस्कर ना अपने मास्टर को, अपने मालिक को जो उसको खाना देता है, जो केयर करता है, वाटर चेंज करता है, उसको बहुत अच्छे तरीके से पहचानता है और थोड़ा फ्रेंडली हो जाता है। वो जैसे सामने जाता है, ऑस्कर आ जाता है सामने खाना खाने के लिए, पहचानता है उसका मूवमेंट्स वगैरह। तो इसके वजह से सेम हम लोग देखेंगे डॉग्स का भी वैसा है। अगर आपके घर में डॉग है ना, आप देखिएगा, आप कहीं बाहर गए हैं और कुछ घंटों बाद या कुछ दिन बाद आप जब वापस आएंगे ना, तब वो एकदम दुम हिलाते हुए आपके पास जाएगा और बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। तो ऑस्कर का भी कुछ ऐसा ही ऑब्जर्वेशन किया गया है कि ऑस्कर का भी कुछ नेचर ऐसा ही है डॉग के जैसा। सो दैट इज़ वाई इनको वाटर डॉग कहा जाता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा सही में लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और रिक्वायरमेंट कुछ भी है दोस्तों, ऑस्कर का हो, पैरोट का हो, स्टिंगरे का हो, एरवाना का हो, एंजल का हो, जितना भी वैरायटी है, अब जिसका भी आपका रिक्वायरमेंट है ना, आप कम्युनिकेट कीजिए। हम लोग आप लोगों को पूरा गाइड करेंगे, कैसे फिश रखना है, कैसे फिश पालना है, उसको ग्रो करवाना है, फीडिंग क्या होगा, फिल्ट्रेशन क्या होगा, एवरीथिंग। इस नंबर पे कम्युनिकेट कीजिएगा। और आपका अगर डिलीवरी रिलेटेड कोई सवाल है कि कैसे मुझे ये फ़िश मिलेगा, मैं तो बहुत दूर में रहता हूँ, दूसरा स्टेट में हूँ, वहाँ कैसे मुझे फ़िश मिलेगा, रिफंड पॉलिसी क्या है, पेमेंट कैसे करना पड़ेगा, कितने दिन में मेरा पार्सल मेरे पास आ जाएगा, ये सब कुछ आपको इस नंबर पे फ़ोन करके मिल जाएगा। फ़ोन करने का टाइमिंग मैं थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि बहुत दोस्त हैं उस वक्त फ़ोन करते हैं जब शायद ऑफिस क्लोज हो गया है। तो आप लोग सुबह 10:30 बजे से फ़ोन करना शुरू कर सकते हैं, व्हाट्सअप कीजिए। उस टाइम से लेके रात के 9 बजे तक, मतलब ऑलमोस्ट 10-12 आवर्स आप लोगों के लिए हम लोग सर्विस में हैं। सो वेटिंग फॉर योर व्हाट्सअप, फॉर योर कॉल। सबाई खूब भालो थाकबेन। थैंक यू वेरी मच।